बस ये मजबूरी की खातिर हम कोयटा से यहाँ पर आए, मजदूरी कर रहे, वरना मेट्रिक पास है, वरना मैं वहाँ पर इलाके में नौकरी होती तो वहाँ पर अच्छी नौकरी कर लेती। मजबूरी की खातिर में शर्मा की आमद है। इंसानी ज़रूरत की तमाम जो चीज़ें हैं वो मौसम के साथ साथ चेंज होती हैं, इसी तरह लिबास भी चेंज होता है। तो आज हम मौजूद हैं लाहौर के सबसे बड़े लंडा बाज़ार में। आज हम पूछेंगे दुकानदारों से, ख़रीदारों से कि वो किस तरह अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं और किस तरह दुकानदार अपनी चीज़ों का रेट। जी आपके पास ये छोटे बच्चों वाले शूज़ पड़े हुए हैं, क्या प्राइस है एक जोड़े का, कितने प्राइस है? ये पहले से बहुत सस्ते हैं, पहले हम 400-500 का सेल कर, अभी हम 200 का सेल कर इमरान खान की हुकूमत में, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, कोई महंगाई नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज़ें, बहुत ना पहले से रेट है, बहुत नॉर्मल चल रहे हैं इस दफ़ा। अब खैर किसी गाहक से पता कर सकते, ये हम 200 का सेल करते हैं, 200 का हर लंडे से 200 का शूज़ मिल जाते हैं आराम से। सही है, लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई हो गई है, ये 200 वाला 400 का हो गया, 500 का हो गया, तो आपके पास 200 है? सर ये वो लोग कह रहे हैं ना जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है, ठीक है, जो असल पाकिस्तानी है वो ये कभी भी नहीं कि महंगाई है, ये वो लोग कहते हैं जो असल पाकिस्तानी नहीं होते, वैसे मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं वो लोग होते हैं, कोई महंगाई नहीं है, हमारा बहुत अच्छा सर पहले से हमारा माल बहुत सस्ता आ रहा है, बहुत अच्छा माल मिल रहा है, वो वाला कोई महंगाई का कोई सिस्टम नहीं। आज यही साल बेहतर है। अच्छा जी, ये सर में सस्ता ही है। पिछले साल आपकी क्या सेल थी, कितने आप एक दिन के एक महीने? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी था, इस साल भी अच्छी था, वही रेट चलते हैं, यह सब रेट बढ़ जाते हैं, मजदूर का भी तनख्वाह बढ़ जाते हैं। सही है, तो ये महंगाई की वजह से इस पे कोई असर पड़ा है आपके कारोबार की वजह? महंगाई तो इतना नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, महंगाई तो इतना नहीं है, वैसा लोग कहते हैं महंगाई है महंगाई अल्हम्दुलिल्लाह। कस्टमर से पूछते हैं कि उन्होंने ये कोट लिया और पहना भी है इधर ही, तो कितने का लिया इधर उन्होंने? ये हमने 300 का लिया है, जो रेडी से परचेज किया, जो बाहर फिर रहे हैं वो काफ़ी महंगा दे रहे हैं, लेकिन ये रेडी वाले कम रेट पर दे रहे हैं। सही, आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी स्टूडेंट हैं, तो बजट इतना नहीं होता कि बड़ी बड़ी मॉल से जाके शॉपिंग की जाए, तो इधर आ जाते हैं तो कम रेट पर हमें मिल जाता है, और स्टफ़ भी अच्छा होता है, गर्म होती हैं काफ़ी, सर्दी में काम आती है। तो इसे आप वाश वगैरह नहीं करते, इस तरह ही पहन लेते हैं? नहीं वाश वगैरह करते हैं, इसको गर्म पानी से अगर आप धो लें एक बारी तो इसकी स्मेल भी चली जाती है, और अगर आपको ज़्यादा धोना है तो इसको ड्राई क्लीनर को दे के आप धुलवा सकते हैं। 3 साल से पहले बहुत ज़्यादा था काम, जब खान साहब आया ना कम हो गया। तो जब से आपका मतलब है खान साहब की हुकूमत आई है जी जी। तो आपकी सेल भी कम हो गई है कोरोना की वजह से भी? सब कुछ 100 रुपये, 100-100 लंडा, 100-100 शर्ट, 100-100 रुपये दर्जे, 100-100 रुपये छोटा बड़ा माल, 100-100 रुपये, 100-100 दर्जे। आ जाओ मेरा भरा पट्ठे वड्डन वाली आ गया जी, दर्जे जैकटा शर्टा 100-100। इधर आओ मेरा भरा दो। तो आप बताएं कि ये जो आपके पास ये बच्चों के पड़े हुए हैं सारे सर्दियों वाले कोट वगैरह, तो क्या प्राइस है इनकी? सर ये 100-100 रुपये की सेल लगाई हुई है, बच्चे का माल है, 100-100 रुपये से सेल कर रहे हैं। सारी 100-100 के हैं? हाँ छोटा है, साइज है, बड़ा साइज है, सब 100-100 रुपये के हैं। सिर्फ ये कोट ही है कि पेंटे वगैरह भी हैं, शर्ट है? कुछ पेंटे भी पड़े हैं, शर्टें भी हैं, कोट भी हैं, जैकेट वगैरह भी हैं, इसे 100-100 रुपये के दे रहे हैं। तो ये किधर से आप माल लेके आते हैं? ये कराची से माल आता है। कराची से आप बताएं कि एक दिन में कितनी प्राइस हो जाती है आपकी सेल, कितनी हो जाती है एक दिन में? तकरीबन अभी तो इतना नहीं, संडे को ना तकरीबन 20,000-12,000-18,000 की सेल हो जाती है, अभी तो मैंने 12-13,000-12-1300 रुपये कमाया सारे दिन का, आज तो इतना काम नहीं हुआ। ये आपका खुद का काम है या आप दिहाड़ी पे हैं इधर? नहीं मैं दिहाड़ी पे खड़ा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा। ये लेडीज़ शूज़ हैं, चप्पलें हैं बच्चों के भी, छोटे छोटे, तो क्या प्राइस है इनकी? इनका मुख्तलिफ रेट है भाई, 300 भी है, 400 भी है, 500 भी है, इनका मुख्तलिफ रेट है। तो ये जो बच्चों के हैं ये छोटे छोटे, इनका क्या रेट है? इनका 250, 350 रुपये में, 350 में। तो आपके पास स्पोर्ट्स वाले भी शूज़ पड़े हुए हैं? हमारे पास स्पोर्ट्स, ये नाइकी पड़ा हुआ है, इसमें अच्छे अच्छे वाला हमारे पास पड़ा हुआ, तो ये देख लो भाई जान, इसमें ये भी स्पोर्ट्स सुबह वॉक भी कर सकते हैं, अच्छा शूज़ है, ये बाहर से आते, इधर पाकिस्तानी नहीं है। इसकी प्राइस क्या है? इसके प्राइस हम वैसे 700 रुपये बताते, फिर 400-350 तक इसको देते हैं। सही है, तो ये वाला जोन सा है, लॉन्ग शूज़, ये लॉन्ग शूज़, ये अच्छा शूज़ है, इसको हम लेदर वाला कहते हैं, ये प्योर चमड़ा है, ये ख़राब नहीं होते, वैसे ये नए लेने कम ना से कम 8,500-9,000 रुपये का, ही इधर हम 400 रुपये के शूज़ बेचते हैं। सही है, तो ये आप जो आपके पास ये शूज़ पड़े हुए हैं ये किधर से लेके आते हैं आप? हम ये कराची से लेकर आते हैं भाई जान।
सही है। तो एक दिन में तकरीबन आप कितने की सेल कर लेते हैं? ये 3 दिन में फर्क हो जाए। अच्छा, काम अच्छा होते ज़्यादा करते, काम हल्का होते फिर थोड़ा करते। जब सभी सर्दी शुरू होने वाले हैं हम अभी करते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी 18 कभी 20 कभी 32 30 इतवार वाला दिन आ जाए उसमें ज़्यादा होते, फिर उसके लोग को छुट्टी हो जाते हैं, इस वास्ते कस्टमर ज़्यादा है। तो आप आपकी ये खुद किया है या आप दिहाड़ी पे हैं? नहीं, हम इधर दिहाड़ी पर खड़े हैं भाई, यानी ये दूसरा मालिक है उसका है। कितनी दिहाड़ी है आपकी दिन की? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही है, चोला जल रहे हैं सही है चोले। ये वाला शूज़ जो सा ये दिखाइएगा। हाँ जी, ये काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, इसकी क्या प्राइस है तकरीबन? ये स्कॉप आपको मिल जाएगी भाईजान 700 रुपये में मिल जाएगी। वैसे हम 300-350 की इधर बेचते हैं वो चीज़, ये जो उनसे इधर एक रेट वाला कोई नहीं आता है, सारा फिर किसी को थोड़ा बताओ ज़्यादा कम करते हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम बोलते हैं हम थोड़ा ज़्यादा बताते हैं, फिर कस्टमर अपना जाओ खुद ही वो अपना रेट पर आ जाए। ये शूज़ काफ़ी खासा सही नज़र आ रहा है, इसकी क्या प्राइस है? जी इसका प्राइस है 400 रुपये, इतना तक हो जाएगा, 400-350 तक इतना हो जाएगा। सही है जी, इसकी क्या प्राइस है? यार इसका हो जाएगा 250-300 रुपये, इतना तक हो जाएगा बस। इनमें से सबसे जो महंगा वाला वो कौन सा है? सबसे महंगे वाला तो ये तो बस ये जो वाला है, ये वाला, ये 400-500 रुपये का जोड़ा है, ये 400-500 रुपये का जोड़ा, ये 400-500 रुपये का जोड़ा है ना, बस वैसे तो ये चीज़ जब जो ब्रांड होता है तो फिर ये होता है नेकी रिडास ने ब्रोक सेम ये नेकी ये वर्कर होता है। ये आप देख रहे हैं यार, ये तो हम देख रहे हैं, तो लेकिन ये हो जाएगा तकरीबन इसका 400 कीमत हो जाएगा इस चीज़ का, लेकिन ये चीज़ महंगा है ना, 400-500 रुपये का बस। ये ना ये एसिक्स सबसे बड़ा मशहूर कंपनी जो है ना लंडे में, ये एसिक्स नाम ये बूट है सबसे मशहूर ये बूट। इसकी क्या प्राइस है? इसका भी प्राइस है 400-500 रुपये, लेकिन इधर तो हम इतना महंगा नहीं बेच रहे, जो अंदर मिलता है ये चीज़ अंदर मिलता है, फिर ये चीज़ महंगा बहुत। अगर एक 500 वाला शूज़ बेचते हैं तो उसमें कितनी आपको मुनाफा, आपको कितना मिलता है? मुनाफा तो हमको कोई भी नहीं मिलता, हम तो उसका मजदूर है, ये ठेकेदार का माल हम बेच रहे हैं, हमको दाढ़ी देता है रोज़ाना, हम किसी दूसरे बंजे का माल बेच रहे हैं, इधरी लड़ी रहा लगा रहे, वो जो माल हाथ में तमा देते हैं हम वो बेचते हैं। सही है, इसके अलावा भी आप कोई काम करते हैं कि सिर्फ यही आप? बस ये मजबूरी की खातिर हम कोयटा से यहाँ पर आए, मजदूरी कर रहे, वरना मेट्रिक पास है, वरना माँ वहाँ पर इलाके में नौकरी होती तो वहाँ पर अच्छी नौकरी कर लेती, मजबूरी की खातिर में यहाँ आया है। तो आपको कितनी मजदूरी मिलती है एक दिन की? मुझे 20,000 ही सस्ता है। जो शूज़ मार्केट में 3,000-4,000 के मिलते हैं, यहाँ पे 200-250 के मिलते हैं, और कोट जो 5,000-6,000 के मिलता है वो यहाँ 500-600 में मिलता है। तो मेरी यही राय है नाज़रीन से, यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए क्योंकि मौसम सरमा की आमद है।